डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फिफ्थ। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे डैडी डिकेंस एंड हिज चिकन्स। हमने पेज नंबर 10 और 11 पढ़ लिया था। अब हम लोग पेज नंबर 12 पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या था, हस्बैंड वाइफ की स्टोरी थी और कैसे वो लोग अपनी मुर्गियों के साथ रहते थे और कैसे वो घर में रहते थे, उसके बारे में ये स्टोरी थी। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में सुना होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 11 का लास्ट पैरा से मैं कंटिन्यू करती हूँ। Soon their shabby little house grew fragrant with the perfume of jam bubbling on the stove and the pantry shelves set with glistening red and purple jars. अब इसके अंदर वो क्या उसने बोला था ना कि अगर घर का काम नहीं करती या फिर मैं केक्स और जैम्स बना के नहीं बेच रही होती तो हम लोग शायद भूखे रहते। इसका मतलब आपको बताया था ना कि ये था कि जो मदर डिकिन्स थी वही घर में काम कर रही थी, वही जो थी वो अर्निंग थी, और जो फादर डिकिन्स था वो क्या करता था, कुछ भी नहीं। तो यही है, फिर वो अंदर जाके अपने किचन के अंदर जैम्स बनाने लग जाती है। ग्लिसनिंग मतलब चमकदार, एकदम ऐसे शाइनी होता है ना, जैम कैसा होता है, शाइनी होता है, वैसे ही वो ग्लिसनिंग रेड और पर्पल कलर के जार्स थे जिनके अंदर उसने जैम्स बना रखा था बेरी का, वो रखा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। टुमारो वॉज गोइंग टू मार्केट डे। गोइंग टू मतलब मार्केट जाने वाला दिन, कि भाई कल तो वो लोग मार्केट जाने वाला है, कौन जाएगी, ये ऑब्वियसली मदर ही जाएगी, फादर तो आलसी है, क्या पता दोनों चले जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। बिफोर डॉन द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह मतलब जैसे डॉन क्या होता है, जो मॉर्निंग होती है ना, जैसे सूरज निकलने से पहले का टाइम मॉर्निंग तो हो जाती है, लेकिन देखो सूरज बहुत थोड़ा लेट निकलता है, वो करीबन 6 बजे के आसपास निकलता है, लेकिन 4 बजे के आसपास ही मॉर्निंग तो हो जाती है। मदर असेंबल्ड ऑल हर जार्स ऑफ जैम इन द व्हील ब्रो एंड वेंट टू लुक फॉर हर ओल्ड ब्लू स्ट्रॉ गोइंग टू द मार्केट हैट। फिर वो क्या करने लगे, व्हील ब्रो क्या होता है, जैसा शॉपिंग कार्ट होता है ना अपना, आपने देखा होगा उसके आगे, जिसमें है ना कभी आपने देखा होगा रोड के ऊपर वो लोग सीमेंट डाल के या पत्थर डाल के लेके जाते हैं, वैसा ही एक व्हील ब्रो होता है, जैसे शॉपिंग कार्ट होता है ना, कभी कहीं बाहर शॉपिंग करने जाते हैं तो उसके आगे क्या व्हील होता है, और वो एक बास्केट जैसा होता है और आगे उसके एक व्हील होता है, और वो ऐसे उसको पकड़ के और घसीट के ले जा सकते हैं हम लोग, वो व्हील ब्रो होता है। तो उसने क्या किया, अपने जितने भी जार्स थे जैम्स के वो सब उस व्हील ब्रो के अंदर डाले, और अपना जो ओल्ड ब्लू स्ट्रॉ मतलब है ना ऐसा ब्लू, और स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, वो हेज होता है ना, उसका बना हुआ हैट ढूंढने लगी, उसकी जो टोपी होती है वो ढूंढने लगी। वो गोइंग टू मार्केट मतलब जो वो मार्केट में पहन के जाती थी, मार्केट जाते टाइम जो पहनती थी हैट वो ढूंढने लगती है। इट वॉज इन इट्स यूजुअल प्लेस ऑन द हॉल टेबल। वो अपनी यूजुअल मतलब जहाँ हमेशा पड़ी रहती है वहीं पड़ी थी, कहाँ पे, हॉल की टेबल पे। शी क्लैप्ड द हैट ऑन हर हेड, उसने हैट को क्या किया, अपने सर पे पहन लिया, एंड वॉज ऑन हर वे, और वो जाने लगी। डैडी हैड जस्ट सेटल इन टू हिज आफ्टरनून नैप व्हेन द फ्रंट गेट क्रीक्ड ओपन। डैडी जो डिकिन्स था वो बस अपनी दोपहर की नींद लेके उठा ही था, उतने में क्या हुआ, सामने का जो गेट था वो ऐसे क्रीक ओपन हुआ, मतलब ऐसे आवाज करता है ना गेट कर करके, वो खुला। फिर रूफस रूफस, इट वॉज मदर। वो मदर डिकिन्स कैसे बोलती है, रूफस 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 वेक अप, पिक्चर्ड स्टोर इज हैविंग अ कॉन्टेस्ट ऑन सैटरडे मॉर्निंग। और वो बोलती है कि पिक्चर्ड स्टोर में सैटरडे को एक कॉन्टेस्ट है। अब बेकिंग किंग कैसा कॉन्टेस्ट होता है वहाँ पे, बेकिंग कॉन्टेस्ट, एंड रूफस गेस व्हाट द प्राइज इज। और वो उसे कहती है कि गेस करो प्राइज क्या होगा रूफस। डैडी कंसिडर गेसिंग बट इट वॉज टू लेट, वो ऐसे सोच ही रहा होता है पर मदर डिकिन्स फटाफट बोल देती है अ रेडियो, एंड मदर रैम्बल्ड ऑन, रैम्बल्ड मतलब कंटिन्यू टॉकिंग, वो बोलती जाती है ऐसे, अ ब्यूटिफुल रेडियो इन अ शाइनी वुड केस, क्योंकि उसका रेडियो टूट गया था और उसे तो रेडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसका सारा काम रेडियो के साथ ही चलता था, उसका मन लगा रहता था उस रेडियो के साथ में, इसलिए वो इतना खुश हो जाती है कि एक बेकिंग कॉन्टेस्ट है और उसका प्राइज़ क्या है, रेडियो है। वेल नाउ डैडी ऐसे धीरे धीरे, तो वो तो होता ही लेजी, वो धीरे धीरे बोल रहा होता है। डैडी बिगिन स्ट्रोकिंग हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, वैसे अपनी दाढ़ी खुजलाते होता है। वेल नाउ आई सपोज, ऐसा वो बोल रहा होता है, एंड आई नो जस्ट विल विन अस दैट रेडियो। और वो कहती है कि मुझे पता है कि हमें वो रेडियो कैसे मिल जाएगा, माय 6 egg 3 layered कोकोनट ड्रीम केक। वो अपना उसका एक कोई स्पेशल केक है जिसके अंदर क्या डालते हैं, 6 तो एग्स डालते हैं उसके अंदर, 3 layers होती है उसकी, और वो कोकोनट ड्रीम केक होता है। वो कहती है कि अगर मैं वो बनाऊंगी तो हम लोग पक्का ही जीत जाएंगे और मुझे रेडियो मिल ही जाएगा। यस इंडीड देयर इज नॉट अ केक दैट कैन टच इट। और मतलब वो कहती है कि यस ऐसा कोई केक ही नहीं है जो उसके मुकाबले जैसा, तो कोई केक नहीं है। मदर डांस अराउंड, शी कुड ऑलरेडी हियर द म्यूजिक फ्रॉम द रेडियो। वो नाचने लगती है और उसको ऑलरेडी वो म्यूजिक सुनाई देने लगता है अपने रेडियो में से। वी विल हैव टू स्टार्ट सेविंग ऑल द एग्स सो वी हैव इनफ फॉर सैटरडे।
वो कहती है कि हमें अंडे बचाने पड़ेंगे ताकि सैटरडे तक हमारे पास अच्छे अंडे हो। डैडी रोज विद अ साइन, आई गेस इफ यू हैव गॉट योर हार्ट सेट ऑन इट मदर, आई वुड बेटर गो लेट द गर्ल्स नो। वो कहता है कि अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है ना, तो चलो मैं अपनी गर्ल्स को, यानी उसकी जो हैंस होती है, मुर्गियाँ होती हैं, उनको बता के आता हूँ सब कुछ। ऑल दैट वीक मदर क्लक्ड एंड फर्स्ट अबाउट लाइक वन ऑफ डैडीज हैंस। वो पूरा मतलब पूरा हफ्ता ऐसे खुशी के मारे झूमने लगी, ऐसे कभी डांस कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कैसे, बिल्कुल जो डैडी की मुर्गियाँ होती हैं उनके जैसे। She danced in the kitchen and hummed in the garden. वो किचन में डांस कर रही है और हम मतलब गुनगुनाना, गार्डन के अंदर गुनगुना रही है। एट लास्ट इट वॉज सैटरडे, एट लास्ट सैटरडे आ गया। सैटरडे था ना जिस दिन कॉन्टेस्ट होने वाला था। मदर लेड आउट हर बिग येलो बोल, उसने अपना बड़ा सा येलो बोल निकाला, मिक्सिंग स्पून, हर मिक्सिंग स्पून एंड हर मेजरिंग कप्स, जिसके अंदर कप्स में वो मेजर करती है ना कि ये 100 मिलीलीटर का है, ये कितने का है, कितने का, वो निकाले। शी टुक डाउन द कैनिस्टर्स ऑफ फ्लोर एंड शुगर फ्रॉम द शेल्फ एंड टाइड हर एप्रन अराउंड हर वेस्ट। उसने कैनिस्टर क्या होता है, डब्बे, कंटेनर जो होते हैं ना उनको कैनिस्टर्स बोलते हैं। उसके फ्लोर मतलब आटे के और चीनी के, वो भी शेल्फ पे से नीचे उतारा, एप्रन पहना। आई एम रेडी, ऐसे वो कहती है, आई एम रेडी। शी अनाउंस, रूफस फेच मी दोज एग्स, रूफस तुम मुझे वो एग्स ला के दे दो। लिफ्टिंग द एग्स एवर सो केयरफुली, ही हेडेड होगा ये, ही हेडेड फॉर द किचन, ये गलत है, ही हेडेड फॉर द किचन। हेयर यू आर मदर, 6 perfect eggs एंड देन दे फेल, और फिर क्या हुआ, गिर गए वो अंडे। 6 precious perfect eggs splattered on the floor, splattered मतलब बिखर गए पूरे पूरे फ्लोर के ऊपर, जमीन पे। डैडी couldn't speak, वो बोल ही नहीं पाया बेचार। मदर बिगिन टू क्राई, और वो जो मदर डिकिन्स थी वो रोने लगी, बिग टीयर्स रोल्ड, मतलब ऐसे घूम घूम के उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकलने लगे उसकी ब्राउन आईज से। माई रेडियो, वो ऐसे उदास होकर बोली, शी सेड इन अ वेरी स्मॉल वॉइस, ऐसे माई रेडियो, ओ माय, वॉज ऑल डैडी कुड से, और वो ऐसा बस इतना ही बोल पाया। ही हैड मदर्स हैंड, ही लुक्ड एट द ब्रोकन एग्स, उसने उसका हाथ पकड़ा और टूटे हुए अंडों की तरफ देखा। ही सॉ द बिग येलो बोल एंड द बटर एंड द शुगर वेटिंग ऑन द टेबल, उसने सारा जो सामान था उसका उस पर देखा। डोंट बी सैड मदर, उसने कहा तुम बिल्कुल उदास मत हो। ही सैड पैटिंग हर हैंड, और उसने उसका ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे थपथपाया, और क्या किया उसने, आई विल बी बैक सून, ऐसा बोला कि मैं अभी आता हूँ, और बाहर चला गया। एंड डैडी वॉज गॉन आउट ऑफ द डोर, वो बाहर निकल गया। फॉर एन इंस्टेंट मदर्स होप्स रिवोक, रिवोक मतलब जागी, फिर से उसके अंदर उम्मीद जागी। बट देन फ्रॉम द हैंड यार्ड शी हर्ड द क्रीक ऑफ द ओल्ड रॉकिंग चेयर, फिर तभी उसको वो जो उसकी रॉकिंग चेयर थी ना जिसपे वो बैठा रहता था, उसकी आवाज आई और वो उदास हो गई कि ये तो बाहर जाके बैठ गया। एंड डैडी सिंगिंग, और गाना गाने लग गया बाहर जाके, वो बहुत सैड हो गई। सैडली शी पुट अवे द बोल एंड द स्पून, उसने सारे अपने बोल जो था वो जो जिसमें वो बना रही थी ना, वो अपने स्पून्स को, शी पुट द फ्लोर एंड द शुगर एंड द कोकोनट बैक ऑन द शेल्फ, उसने जो शुगर और उसके फ्लोर के कनिस्टर ऊपर से उतारे थे ना डब्बे, वो भी वापस रख दिए। कोकोनट जो था उसको भी शेल्फ में वापस रख दिया, अपना एप्रन भी निकाल के टांग दिया। एंड शी बिगिन टू मॉप द किचन फ्लोर, मॉप करना मतलब साफ करना, वो झाड़ू मारने लगी उस किचन फ्लोर को। शी वॉज जस्ट फिनिशिंग अप व्हेन द किचन डोर ओपन, वो बस खत्म ही करने वाली थी तब तक किचन का डोर खुलता है। डैडी स्टूड देयर होल्डिंग आउट अ शू बॉक्स, और वहां पे डैडी खड़ा था और उसके हाथ में क्या था, एक शू बॉक्स। हेयर यू आर मदर, मेक योर केक, और कहते लो तुम अपना केक बना लो। ही सेड व्हाट ऑन अर्थ, वो कहते अरे तुम क्या, कहां से, मदर ऐसे बोलती है, रूफस डिकिंस वेर एवर डिड यू गेट दीज केक्स दीज एग्स, तो कहती है कि तुम ये एग्स कहां से ले आए रूफस डिकिंस, उसका नाम रूफस होता है डिकिंस का, जो मिस्टर डिकिंस होते हैं ना उसका। वेल मदर आई एक्सप्लेन टू द गर्ल्स व्हाट हैड हैपेंड, वो कहता है कि मैंने अपनी गर्ल्स यानी कौन उसके हैंड्स को सब कुछ समझाया कि क्या हुआ अभी अभी। आई टोल्ड देम हाउ बैड यू फेल्ट, कि तुम्हें कितना बुरा लगा, मैंने उन्हें ये भी बताया। I asked them if they could this once put in a little extra time, और मैंने उनसे कहा कि क्या तुम प्लीज थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगा के थोड़े और अंडे दे सकते हो मुझे। देन आई स्टार्टेड टू सिंग ऑल देयर फेवरेट्स, और फिर मैंने उनके सारे फेवरेट्स गाने गाने स्टार्ट कर दिए। आई टोल्ड यू दे लाइक माई सिंगिंग, मैंने तो तुम्हें कहा ही था वो मुझे उनको मेरा सिंगिंग बहुत पसंद है। एंड वेल हेयर आर दी एग्स, और लो एग्स आ गए। ओह रूफस, मदर बिगिन टू क्राई, और वो ऐसे बोल के ओह रूफस, और रोने लगती है खुशी के मारे। एंड वन मोर थिंग मदर,
डैडी स्ट्रोक्ड हिज बियर. वो एक और बोलता है कि एक और बात, व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू गेट योर रेडियो, वेल आई विल पुश द व्हील ब्रो. वो कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारा रेडियो मिल जाएगा ना, तो ये जितना भी सामान तुम ये व्हील ब्रो में डाल के लेके जाओ, व्हील ब्रो बताया था ना आपको, उसमें डाल के लेके जाओगी ना, मैं उसे वापस घर लेके आऊंगा, ऑल द वे होम, घर तक मैं लेके आऊंगा उसे खींच के. मदर हैड हर सिक्स एग थ्री लेयर कोकोनट ड्रीम केक. उसने अपना केक बना लिया एंड इट डिड विन द बेकिंग कॉन्टेस्ट, और वो जीत भी गई. डैडी इवन रिमेम्बर्ड हिज प्रॉमिस एंड पुश द व्हील ब्रो ऑल द वे होम, और वो उस व्हील ब्रो को अपने घर तक भी ले आया, वो जीत भी गए, सब हो गया. ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है. इन दोनों हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है. अब आप लोगों को इसके अंदर जितने भी वर्ड मीनिंग्स है वो अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं. मैंने सारे वर्ड मीनिंग्स बोल बोल के आपको लेसन को पढ़ाते टाइम बताए हैं, तो प्लीज़ ये जो हर एक पेज के नीचे जितने भी वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं वो सब आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर सारे के सारे सुंदर राइटिंग के अंदर नोट कर लेना. ओके, कुछ नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. थैंक यू. ये देखो, स्क्वाड, ब्रिस, बैरी पैच, क्रूनिंग, गर्ल्स, ये सब के सब आपको लिखना है. ये रैम्बल्ड ऑन कैन.